सीकर जिले के रानोली कस्बे में NH-52 पर स्थित आर्यन कॉलेज के एक कर्मचारी का कुछ बदमाश दिन दहाड़े अपहरण करके ले गए। दिन दहाड़े हुए इस अपहरण कांड से रानोली कस्बे में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची रानोली थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों तरफ नाकाबंदी करवाई। वहीं अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस को चारों तरफ लगा दिया और अपहरण के कुछ घंटे बाद ही आरोपियों को भोजपुर गांव के पास धर दबोचा और अपहरण किए गए कर्मचारी सुरेश को भी बरामद कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि दोपहर को कॉलेज परिसर में अचानक कुछ लोग अंदर घुसे और काम कर रहे सुरेश कुमार से मारपीट करते हुए उसे घसीट कर गाड़ी में डालकर ले गए। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में सुरेश कुमार का अपहरण हुआ उसके पीछे 5-7 गाड़ियां और भी थी। संदेह जताया जा रहा है कि आर्यन कॉलेज के निदेशक राजेश मुवाल और उसके जीजा करण सिंह के मध्य कॉलेज के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते ही सुरेश का अपहरण हुआ है। देर शाम तक मामले को लेकर FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। वहीं अपहरण की घटना के बाद रानोली थाना में ASP डॉ. तेजपाल सिंह भी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं दिन दहाड़े हुए इस अपहरण से रानोली कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आज दोपहर के समय आर्यन कॉलेज है यहाँ रानोली में, उसकी कैशियर का अपहरण की सूचना आई थी। उसमें पुलिस तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंची और वहाँ से टेक्निकल जो एविडेंस है वो जुटाई और उसका पीछा किया। खंडला के पास से उस डेटिनी को रिकवर कर लिया गया है। अच्छा। और 3 मुलजिम वही मौके से और बाकी जो और 3 हैं उन सभी को दस्तयाब कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। 7 आरोपी थे उनमें से 3 पकड़े हैं, सभी 6 को अपन ले आए हैं। अच्छा। और सभी इंटरोगेशन कर रहे हैं। तो सर गिरफ्तारी दिखाई है आपने 6 की? अभी बिल्कुल जो भी कानून सम्मत होगा वो कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ करने। सर आरोपी गए किधर से? पलसाना टोल से निकले या किधर से, कौन से रास्ते से उन्होंने रास्ता पार किया? अभी संबंध में इंटरोगेशन चल रहा है, पूरी चीज आपको अनुसंधान के बाद ही पता लगेगा। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें मामला जो अपहरण से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से कोई लेन देन का मामला है या कोई और कारण? हाँ बिल्कुल, प्रारंभिक जो अनुसंधान है, प्रारंभिक जो इंटरोगेशन है उसमें इनका लेन देन का मामला सामने आ रहा है। नहीं सर, आरोपी आए तो कैसे, नकाबपोश थे क्या थे सर? उधर आप सबने फुटेज देखा है, कोई नकाबपोश नहीं है ना। जस्ट लाइक स्टूडेंट जैसे आज फीस भर रहे थे, लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, तो बिल्कुल उसी बेस में उसी तरह से एंट्री हुए कॉलेज में। पुलिस है आरोपितों तक जो पहुंचने में कामयाब हुई है, पुलिस ने लगातार पीछा किया या कोई इनकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर वहां तक पहुंचने में कामयाब हो पाई? बिल्कुल, जो भी टेक्निकल और तकनीकी साक्ष्य थे उनको हमने फॉलो किया और उसके आधार पर ही इनको ट्रेस करते गए। सर रामनी थाना पुलिस के अलावा और भी कोई थाना पुलिस लगी क्या कोई टीम? तो पूरा जिला पुलिस कार्य करती है, कंट्रोल के थ्रू पूरे जिले में नाकाबंदी करवाएगी और पूरी जिला पुलिस नाकाबंदी की SSO रानोली की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्होंने लगभग पूरा काम किया। कितने बजे नाकाबंदी हुई सर? अविलंब, जैसे ही कंट्रोल सूचना आई उसके बाद अविलंब नाकाबंदी करवाई गई थी। ठीक है।